नमस्कार, साथिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले सहयोगी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शराबबंदी में संशोधन की सलाह दी है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वो नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व की हानि, होटल उद्योग प्रभावित तथा पुलिस एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान RJD और LJP ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि नीतीश कुमार की शराबबंदी जमीन पर फेल है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपनी हार को लेकर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के हार की वजह इनवैलिड मान लिए गए पोस्टल वैलिड भी हो सकते हैं। जिसके बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि केवल एक सीट पर हार जीत का अंतर इनवैलिड पोस्टल वैलिड की संख्या से कम था, जिसके बाद RJD के उम्मीदवार की मांग के बाद केवल इनवैलिड ही नहीं बल्कि सभी पोस्टल वैलिड दोबारा से गिने गए थे। यह सीट हिलसा थी, जहां RJD उम्मीदवार मात्र 12 वोटों से हारे थे। बिहार में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को NDA के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार गठन की दिशा दशा तय होगी। साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मोहर भी लग सकती है। गुरुवार को खुद नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि CM पद का फैसला NDA की बैठक में ही होगा। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले काफी कुछ राजनीतिक गर्मजोशी बढ़ गई है। राज्य में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा जोरों से उछाला जा रहा है। इसको देखते हुए BJP ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। तो वहीं राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है, मैं बंगाल की हालत को लेकर चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल की जनता ये विश्वास खो दे कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव भी हो सकता है। मैं राष्ट्रपति शासन लगाने पर तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां मुझे मिली हैं, जनता के हित में संविधान के हिसाब से ही कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कॉमेडियन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और वेणुगोपाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है। कामरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने जो भी ट्वीट किए वह सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी अर्णब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए भेदभावपूर्ण फैसले पर मेरी राय थी। उन्होंने कहा कि ना तो वे माफी मांगेंगे ना ही वकील करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक किताब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी एक नर्वस और तैयारी करते हुए ऐसे छात्र की तरह लगे जो अपने शिक्षक को प्रभावित करना चाहता है, मगर उसके भीतर विषय का मास्टर बनने के लिए जुनून या योग्यता की कमी है। ओबामा ने अपने कार्यकाल के संस्मरणों पर लिखी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगले सप्ताह जारी होने वाली उनकी किताब की समीक्षा की है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड सितारों पर NCB का शिकंजा कसता जा रहा है। एक्टर अर्जुन रामपाल से NCB दफ्तर में पूछताछ हो रही है। इससे पहले अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रियला से NCB ने पूछताछ की थी। मालूम हो बीते दिनों अर्जुन रामपाल के बंगले पर सर्च ऑपरेशन के बाद NCB ने एक्टर और उनकी लिव इन पार्टनर को समन भेजा था। फ्रांस में आतंकी हमलों को लेकर दिए बयानों पर घिरे उर्दू शायर मुनव्वर राना ने अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। राना ने ओवैसी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से करते हुए कहा, ऐसे नेताओं ने मुस्लिमों को तोड़ा और बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिन्ना के बाद अब ऐसे एक और नेता को भारत में नहीं उभरने देगा। भारत में पिछले एक दिन में लगभग 45,000 मामले आए हैं और 547 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल एक्टिव मामले 484,000 के पार हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,28,000 से ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,27,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 12,93,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 3,72,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए साथिंदी.com के साथ।